हेलो फ्रेंड्स नमस्कार एंड वेलकम टू शमाता साथियों उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी आपकी कंटिन्यू चल रही होगी समय काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है सेवनटीन्थ बीपीएससी का जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी है स्टूडेंट को ये बेसब्री से इंतजार है कि कौन कौन से पोस्ट शामिल किए जाएंगे क्या एस का सीट होगा या नहीं होगा डी का सीट होगा या नहीं होगा क्योंकि ये जो दो पद होते हैं ये सभी के फेवरेट पोस्ट होते हैं सभी ये चाहते हैं जो खासकर पी एग्ज़ाम देते हैं कि कम से कम हमें एस या डी की पोस्ट मिल जाए तो यहाँ पे सेवनटीन बी को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है उस नोटिस को हम लोग समझेंगे और कौन कौन से पद शामिल होंगे क्या भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी ये नोटिस किस तरफ हिंट्स देता है आपको साथ ही साथ उम्र सीमा बढ़ेगी या नहीं हम लोग इस पर भी बात करने वाले हैं तो आइए इस नोटिस को सबसे पहले समझते हैं देन आगे की प्रक्रिया पर हम लोग बात करेंगे अब यहाँ पे जैसा कि देखेंगे आप लोग सामान्य प्रशासन विभाग यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का ये लेटर है बिहार सरकार का प्रेषक में देखेंगे तो मोहम्मद मिनहाज अख्तर हैं सरकार के उप सचिव और सिवा में क्या है कि सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव सचिव बिहार पटना और डेट देखेंगे तो ये चौबीस अप्रैल का डेट यहाँ पर दिया गया है आज हो गया आपका थर्टीन अप्रैल देखिए विषय में क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अधिया उपलब्ध कराने के संबंध में यानी कि जो भर्ती आएगी उसमें कौन कौन सा पोस्ट होगा रोस्टर क्लियर करके आएगा तो वो सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को भेजेगा फिर बीपीएससी उस पे नोटिफिकेशन जारी करती है और ये नोटिफिकेशन आपका जुलाई में एक्सपेक्टेड है क्योंकि एग्जाम डेट आपका जो है थर्टीन सेप्टेंबर को निर्धारित है तो इस लेटर को हम लोग समझते हैं कि क्या प्रक्रिया इसमें क्यों लेटर ऐसा लिखा गया है तो देखेंगे कि निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग यानी कि ये पहले सामान्य प्रशासनिक विभाग को कार्मिक विभाग बोला जाता था बाद में संशोधन कर दिया गया इसको तो देखिए बिहार पटना के संकल्प संख्या यहाँ पर दिया गया है सोलह सात दो के प्रावधान अनुसार प्रत्येक वर्ष के एक अप्रैल की स्थिति के अनुसार सभी विभागों द्वारा समीक्षा कर रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर संबंधित आयोग को तीस अप्रैल तक भेज जाने का प्रावधान है देखिए होता क्या है कि एक अप्रैल तक जो भी वैकेंसीज खाली होती है फाइनेंशियल ईयर की उन सभी भर्तियों के लिए यहाँ पे जो रोस्टर क्लियर किया जाता है और उसको तीस अप्रैल तक उपलब्ध करा दिया जाता है सामान्य प्रशासन विभाग को ताकि सामान्य प्रशासन विभाग जो रिलेटेड आयोग होता है उसको भेज सके चाहे वो एस हो बी हो या बी हो तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो भर्ती के लिए तीस अप्रैल का प्रावधान था लेकिन सम्प्रति किसी भी विभाग से बिहार लोक सेवा आयोग पटना की सत्रहवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु अध्याचना सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना को उपलब्ध नहीं कराई गई है यानी कि अभी तक जो वैकेंसी है वो सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं मिली है किसी भी डिपार्टमेंट से अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोग जरूर राइज करेंगे कि क्या सर भर्ती में लेट होगा तो देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ भर्ती भले ही रोस्टर अभी नहीं आया है लेकिन जो आपका एग्ज़ाम डेट है थर्टीनथ ऑफ सेप्टेम्बर ये थोड़ा सा भी इसमें चेंज नहीं होने वाला है तो आप ऐसा ना समझें कि आपको ज़्यादा समय मिलेगा समय आपका काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है जो रेत के भाती जो मुट्ठी में रेत लेते हैं तो फिसलते जाता है सेम उसी तरीके से आपका जो भी ये समय बचा हुआ है उसको अच्छे से आप लोग यूज़ कीजिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में कोई भी डिले नहीं होने वाला है भर्ती ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है लेकिन आपका एक जो एग्जाम डेट है वो तीस सितंबर को ही होगा आगे इसमें क्या है अतः अनुरोध है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी सत्रहवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाली रिक्त पदों से संबंधित अध्याचना पत्र आरक्षण रोस्टरवार वांछित अभिलेखों के साथ सामान्य प्रशासन विभाग पटना को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा किया जाए साथ ही साथ जिन विभागों में आगामी सत्रहवीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पदों की संख्या शून्य हो तो उसे भी दर्शाते हुए संसूचित करने की कृपा किया जाए ताकि अधियचना बिहार लोक सेवा आयोग पटना को शीघ्र उपलब्ध कराया जा सके यानी यहाँ पे एक चीज़ ये हो सकता है कि नोटिफिकेशन में भले डिले हो सकता है लेकिन एग्जाम डेट तो आपका तीस सितंबर को ही रहेगा क्योंकि जुलाई में एक्सपेक्टेड है आपका नोटिफिकेशन तो जुलाई में हो सकता है कि मिड जुलाई तक आए अगर ये भर्ती नहीं मिलती है अभी तक तो लेकिन अभी अभी पूरे समय है मई अभी पूरा है जून है तो यहाँ पे बिल्कुल आपका भर्ती में कोई डिले नहीं होने वाला है और बात करें कि एस डी एम सीट इस बार आएगी कि नहीं तो देखिए बिल्कुल संभावना है कि यहाँ पे एसडीएम डी सीट आएगी चूँकि 80 प्लस यहाँ पे प्रमोट कर दिए गए हैं एसडीएम को अगले पद के लिए तो यहाँ से 75 परसेंट अगर आप निकालते हैं जो सीढ़ी भर्ती होती है तो लगभग 60 प्लस यहाँ पे एसडीएम का सीट होगा और डीएसपी का भी इसी के लगभग सीट ऐड होने वाली है और इस बार एक और भर्ती जो जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है बी की ब्लॉक एजुकेशन अफसर की उसकी भी भर्ती लगभग पाँच प्लस जो ऐड होने वाली है तो इस बार अच्छे पदों पर भर्ती आने वाली है और इसमें एज छूट भी मिलने वाला है तो देखिए एज क्या सभी पदों के लिए छूट मिलेगा अगर इसके लिए आप लोग एक वीडियो चाहते हैं सेपरेट तो मैं इस पर बता दूँगा आपको क्लियर करके कि क्या अभी चल रहा है उस प्रक्रिया को लेकर के एज लिमिट लेकर के तो आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करके बताएं कि क्या इस पर वीडियो बनाया बनाया जाए कि एज लिमिट किन को किनको मिलेगा छूट और किन पदों के लिए मिलेगा आगे क्या इस पे पर प्रक्रिया चल रही है बाकी जो वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट है तो ये भर्ती आपका थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है लेकिन एग्जाम डेट में कोई चेंजेस नहीं होने जा रहा है तो आप सब अच्छे से तैयारी करें और जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट करके बताएं और जल्द ही हम लोग मिलेंगे उम्र सीमा में छूट को लेकर के एक डेडिकेटेड वीडियो में तब तक आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और तैयारी अच्छे से करें फिर मिलता है नए अपडेट में धन्यवाद